हेलो एवरीवन, होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर मैथ्स एग्जाम। दोनों की बात करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिक। वीडियो को पूरा देखना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाओगे या अगर आपको ऐसा लगता है आप टॉप कर जाओगे, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखते रहो। सबसे पहली बात यार, लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम पढ़े कहां से। तो लास्ट मोमेंट में एक ही बेस्ट रिसोर्स होता है, वो होता है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी करो यार, एनसीईआरटी छोड़ के कहीं मत जाओ, कहीं मत भटको। दूसरी बात तो ये आती है, इतने सारे YouTube चैनल्स, इतने सारे पब्लिकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट पेपर, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर, विच वन टू ऑप्ट। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो यार एक बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को ना मिले, बट उनके वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने उन वैरायटीज को कर लिया है तब तो द बेस्ट है। अगर आपको लगता है थोड़ी भी कंफ्यूजन है हमें किसी भी क्वेश्चन में, तो यार एजुकेशनल हाइक्स आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। प्लस सबसे पहले इस पीडीएफ की इंपॉर्टेंस बता दूं, ये पीडीएफ है कहां से, ये डिफरेंट डिफरेंट लेटेस्ट सैंपल पेपर्स, चाहे वो एजुकार्ड का हो, ओसवाल का हो और चाहे बोर्ड वाला हो, वहां से हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो हमने पिक किया है। प्लस हमने एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स लगी कि हमें हाँ ये इन क्वेश्चन से डिफरेंट और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमने उन मेन क्वेश्चंस को इसमें रख दिया है, जिससे एक क्वेश्चन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, और 1, 2, 3, 4 मार्क्स के अलग अलग लिंक हैं, वहां से जाइए, ओपन करिए, सॉल्यूशन के साथ है, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, प्लस आपका 20 to 25 मार्क्स इंक्रीज भी होगा, ये गारंटी है मेरी। 12 मार्च को पेपर देके आना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना पेपर कैसा गया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।